नृसिंह चतुर्दशी। नृसिंह चतुर्दशी का व्रत भी वैष्णवों को करना चाहिए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी। वैशाख मासी य चतुर्दशी सीता निशा मुखे या निलभेन संयुता सोमेव तारो निर्हरे दवुदतो व्रतोत्सवम तत्र मुदा समाचरे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के स्वाति नक्षत्र में सोमवार के दिन सायंकाल में भक्तराज प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए और सभी भक्तों को अभयदान देने के लिए कि जो मेरे शरणागत भक्त हैं उनको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, निर्भय रहें, ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने खम्भ फाड़ कर नृसिंह अवतार ग्रहण किया और प्रसन्नता पूर्वक उस दिन व्रतोत्सव करना चाहिए। प्राचीन जितने मंदिर हैं अपने वैष्णवों के रामानंदी संतों के हैं उन सब में नृसिंह भगवान जरूर विराजते हैं। शालिग्राम जी नृसिंह शालिग्राम प्रायः सभी मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में तो सर्वत्र नृसिंह स्वरूप भी विराजते हैं और नृसिंह शालिग्राम भी विराजमान होते हैं। हमारे श्री पहाड़ी बाबा खाक चौक के मूल पुरुष अनंतश्री संपन्न योगिराज परम तपस्वी श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा, वो तो महाराज अपनी जटाओं में ही नृसिंह भगवान को रखते थे। शालिग्राम जी नृसिंह शालिग्राम जी वो जटाओं में ही विराजमान करते थे। वो शालिग्राम जी अभी भी विराज रहे हैं जो बाबा की जटाओं में विराजते थे। अब ये घटना तो 200 साल से भी पुरानी है, 200 साल से ऊपर उनको समाधि लिए हो गया, 210 वर्ष के करीब पूज्य पहाड़ी बाबा प्रथम पहाड़ी बाबा को समाधि लिए हो गया और जीवित समाधि है। महान योगी राज थे, वृंदावन में रामानंदी संतों में एक ही जीवित समाधि श्री पहाड़ी बाबा, अद्भुत महापुरुष थे। 5 वर्ष रहे कैलाश में वशिष्ठ गुफा में मानसरोवर में और 65 वर्ष रहे केदारनाथ के ऊपर, तो 70-75 साल हिमालय में ही रह गए, इसलिए साधुओं में उनको पहाड़ी बाबा के नाम से उनमें उनकी प्रसिद्धि हुई। वे ही फिर आए तो वृंदावन में यमुना जी के पुलिन में, उसमें जंगल होगा, 200 साल का कैसा वातावरण होगा, वही जंगल में विराज गए। और महाराज जी अपने जीवन में मानव निर्मित किसी स्थान में नहीं गए, पहाड़ में कंदरा में रहे, गुफा में रहे, और मनुष्य के द्वारा बनाई हुई झोपड़ी में भी नहीं रहे, वृक्ष के नीचे या कंदरा में, खाक चौक में नीम का पेड़ था उसी के नीचे विराजते थे। और हमने अपने गुरुजनों से तो ऐसा सुना कि किसी ने उनको पैर फैला के लेटते नहीं देखा, हमेशा बस धूना पर बैठे, अखंड धूना, मूंज का आड़बंद, मूंज का यज्ञोपवीत, मूंज की ही कौपीन, और धातु का स्पर्श नहीं, वस्त्र का स्पर्श नहीं, कंचन कामनी का स्पर्श पूरे जीवन। और दीर्घजीवी हुए, 150 वर्ष की आयु तक विराज। और फिर कार्तिक पूर्णिमा को ही महाराज जी उनका जन्म था और कार्तिक पूर्णिमा को ही झरा भंडारा किया, 84 कोस ब्रज का झरा किया, और झरा करके जीवन में एक ही बार कहा था उन्होंने कि हम झरा करना चाहते हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए, झरा हुआ। और उस जमाने में महाराज जी 10-10 गज का अचला और 1-1 रुपया दक्षिणा, वो हो गया उत्सव। वो उत्सव के बाद बोले अपने शालिग्राम जी अपने शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी को दे दिए और बोले अब हम समाधि में बैठ रहे हैं, समाधि को छेड़ना नहीं, बैठ गए। तो तब से लेके अब तक लगातार कार्तिक पूर्णिमा का उनका झरा होता है, वृंदावन का झरा।
अब तो 100 रुपये दक्षिणा बांटते हैं हम लोग, तो 100 रुपये भी कम है उस जमाने का, 1 रुपया और 100 रुपये अब कुछ नहीं है, आज 10 रुपये समझो, 10 रुपये भी इससे भी कम है। तो नृसिंह भगवान की उपासना, नृसिंह शालिग्राम का अर्चन, ये प्राचीन संतों की परंपरा से प्रचलित है और इसलिए हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा थे श्री स्वामी अर्जुन दास जी महाराज की जमात में भी कभी कभी विराजते थे। तो शरीर बहुत ऊंचा नहीं था लेकिन सुगठित था, बड़े विशाल जटाजूट, अखंड विभूति रमाते और एक ब्रह्मपात्र रखते और कुछ नहीं, एक फरसा रखते और नित्य नियम से फरसा को पैना भी करते थे, उसको टेना कहते हैं, फरसा को टेना, टेना बहुत वजनदार फरसा ऐसे कंधे पे लेके चलते। महाराज जी सुनाते थे कि जब वो बिहारी जी दर्शन करने जाते वृंदावन में तो बाजार में सन्नाटा छा गया, ऐसे तेजस्वी संत नरसिंह 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 ऐसे बोलते हुए चलते थे, नरसिंह 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 नरसिंह। अंग्रेजी जमाना था, कुंभ की बैठक हो रही थी, उस समय महाराज जी सुनाते थे कि निर्वाणी के श्री महंत सीताराम दास जी थे हनुमानगढ़ी, सबके नाम सुनाते थे हम तो भूल गए, तो सब अन्य अखाड़े के मुख्य महापुरुष सब बैठे थे, कोई बैठक चल रही थी, बाबा जी आ गए, नरसिंह नरसिंह नरसिंह, आओ नरसिंह जी आओ विराजो। बोले राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं बोल तो, न जय सिया राम न जय श्री कृष्ण न जय श्री राधे, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो? अरे बोले आप लोग अपना काम करिए, दास तो पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा पीछे मत पड़िए, नहीं नहीं बताना पड़ेगा, आज भेष भगवान विराजमान है बताना पड़ेगा। तो महाराज जी बोले इतने भोले संत थे, बोले भाई देखो राम जी गृहस्थी हैं और कृष्ण भगवान तो महागृहस्थी हैं, एक दो ब्याह नहीं हुए, हजारों ब्याह हुए उनके, कितने कच्चे बच्चे हुए, राम जी भी गृहस्थी, हम विरक्त महात्मा हैं, इसलिए हमने देखा कि दाढ़ी जटा झूठ वाले पंचकेश वाले नरसिंह भगवान ही हैं, इसलिए हम नरसिंह भगवान का भजन कर दें, नरसिंह नरसिंह ऐसे भोले संत, नरसिंह नरसिंह नरसिंह। लक्ष्मी जी तो है नरसिंह भगवान के, बोले नहीं लक्ष्मी तो एक घुड़की में लक्ष्मी जी को भगा दिया, इसलिए नरसिंह भगवान को भजते हैं अपने, ऐसे संतों के भाव। तो नरसिंह भगवान का भी व्रत करना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। और स्मरेण विद्धात चतुर्दशी यदा भवेत धनापत्य विनाशनी तदा तत्रोपवासो न जनैर्विधीयताम महात्मभिर् विष्णुपरायणैरपि। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि नृसिंह चतुर्दशी भी त्रयोदशी से विद्धा हो तो धन और संतान सबका संपूर्ण नष्ट करने वाली होती है, पुण्यों को नष्ट करने वाली होती है, इसलिए विद्धा चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी का भी विद्धा व्रत नहीं करना चाहिए, ये बात विशेष रूप में कही गई है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।